ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अब इस घटना पर ईरान के राष्ट्रपति का रिएक्शन सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान के इस हमले को जायनिस्टिक आक्रामकता के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। साथ ही उन्होंने इसराइल को ईरान के साथ संघर्ष में शामिल नहीं होने की चेतावनी भी दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ईरान ने वैध अधिकारों के साथ क्षेत्र की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक प्रतिक्रिया दी है। यह हमला ईरान के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संबोधित करते हुए कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री को यह जानना चाहिए कि ईरान युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन वो किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा। राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने आगे इसराइल को चेतावनी देते हुए लिखा, आज यानी 1 अक्टूबर का हमला ईरान की क्षमताओं की एक झलक थी। ईरान के साथ संघर्ष में शामिल ना हो। अब ये जान लेते हैं कि इस हमले पर इसराइल और उसके सहयोगी देशों ने क्या कहा। इसराइल ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स के साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर में शाम बिताई और इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले को IDF द्वारा सफलतापूर्वक बचाव करते करीब से देखा। ईरान एक बहुत साधारण सबक नहीं सीख पाया है कि जो इसराइल पर हमला करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसराइल के सहयोगी देशों ने ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इसराइल की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए फ्रांस की सेना को मिडिल ईस्ट में जमा किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने डाउनिंग स्ट्रीट में कहा, हम इसराइल के साथ खड़े हैं और हम ये मानते हैं कि आक्रामकता के सामने उन्हें अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। ईरान को हिजबुल्ला जैसे अपने समर्थित मिलिशिया गुटों के साथ मिलकर इन हमलों को बंद करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेज ने ईरान के मिसाइल हमले को खतरनाक बताया और चेतावनी दी कि अगर संघर्ष आगे बढ़ा तो ये नागरिकों को खतरे में डाल देगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वो ईरान के इस कृत्य की निंदा करते हैं और ईरान से आगे हमले और उसके समर्थन वाले आतंकी संगठनों से भी हमले रोकने के लिए कहते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसराइल पर ईरान के हमले की निंदा करते हुए लिखा कि कनाडा इस हमले के खिलाफ इसराइल के रक्षा करने के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करता है और सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में तनाव कम करने की अपनी अपील को दोहराता है। इस मामले पर ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी ईरान और इसराइल के सहयोगी देशों की इन प्रतिक्रियाओं पर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग करने में मदद की थी मेरे साथी आनंद ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।